नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। श्री विष्णु महायज्ञ का हवन पूजन के साथ समापन के बाद हुआ भंडारा। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है जहां विकासखंड मनिये के ग्राम पंचायत अजनेरा के विष्णु मंदिर पर श्री विष्णु महायज्ञ का धार्मिक आयोजन 21 दिसंबर से चल रहा था, जिसका समापन 29 दिसंबर को हवन पूजन विशाल भंडारे के साथ हुआ। विधिवत जानकारी देते हुए अजनेरा के प्रधान देवेंद्र सिंह ने कहा कि निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, बदले में उनसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगता। यह बात ग्राम पंचायत अजनेरा में विष्णु मंदिर के प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ के अवसर पर चल दोहे कथा में प्रधान देवेंद्र सिंह ने कही। कथा समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कई गांवों के श्रद्धालु प्रसाद पाने पहुंचे, जिसमें दर्जनों गांव के नर नारी बच्चे सहित हजारों लोगों ने प्रसाद छका। वहीं विष्णु मंदिर के बगल में प्राचीन काल से बहुत लंबा तालाब है, जिसको लोगों ने गंदगी का अंबार बना रखा है। संसार की परंपरा है कि इस तालाब का मछली कोई भी आदमी नहीं मारता है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हो गई है मरती है तो उसको बाहर निकाल करके मिट्टी में दफनाया जाते हैं। पर्यटन विभाग से इस तालाब का सुंदरीकरण करना अति आवश्यक है, जिसके लिए कई बार प्रधान देवेंद्र सिंह द्वारा एवं विधायक द्वारा दिया गया, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। लोगों में काफी आक्रोश है, जब योगी सरकार में इस धर्मस्थल की तालाब का सुंदरीकरण नहीं होगा तो कब होगा। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह की जुबानी एवं अन्य ग्रामीण जनता की जुबानी। तालाब की ये मान्यता है कि कौशिक ठाकुरों का हमारा गांव है और जिले में दो तालाब, चितबड़ा गांव में बरैया पोखरा एक कहा जाता है वहाँ है और यहाँ हमारे गाँव में ही है। आज तक इसकी मछली मार करके किसी ने नहीं खाया है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और ऐसे जो पहले यहाँ साधु रहते थे तो उनके ही शब्दों में था कि ये मछलियां निकलती हैं कभी कभी बाहर, लेकिन ये पोखरे का जो भीट है इसके अंदर सुरंग बना करके है, जैसे वह चितबड़ा गांव में है। चितबड़ा गांव का जैसे तालाब का में जो मछलियां हैं बताए कि वो भी कौशिकों का गाँव है, कौशिक ठाकुरों का, ये भी कौशिक ठाकुरों का गाँव है। हमारे यहाँ मीट मछली खाने के लिए जो खाता भी होगा तो चोरी से खाता है, मान्यता के रूप में कोई नहीं खाता। तालाब से जितनी बड़ी मछलियाँ अगर मर जाती है तो उसको ले जाकर के दफन लोग करते हैं। जी जी, दफन करते हैं, कोई उसको खाता नहीं। और जो अगर इसकी मछली खा लिया, अगर कोई बिरादर हो, कोई कास्ट हो, जो मछली खाने वाले भी लोग हैं, तो अगर इस तालाब का मछली खा लिया तो निश्चित रूप से उसका विनाश होता है, प्राचीन काल से। और आज के डेट में यह निश्चित रूप से ये कहा जाए कि शासन को उदासीनता का शिकार है कि इसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया। इसके लिए प्रयास भी मैं कई बार किया, हमारे गांव के ही कुछ लोग चाहे कि आप पैड लिख करके दे दीजिए, मैं इसका सुंदरीकरण का पैसा मंगाऊंगा, पर्यटन विभाग से ही हूँ, तो मैं दिया। अपने भी मैं प्रयास किया ताकि मेरा ये तालाब सुंदरीकरण में आ जाए, तो ये थोड़ा उदासीनता का शिकार बना हुआ है। इतना बड़ा तालाब है, देख रहे हैं, हर समय सबसे चाहिए हो, कहीं ना कहीं से ये कुछ है उदासीनता का कारण, ये नहीं, ये छोटा नहीं है, ये चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी है अमृत तालाब,
मछली है, अपने तालाब के रूप में इसको ले लें, ये बहुत बड़ी योजना है, सब लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, ठीक है, अपने तालाब के रूप में इसको लिया जाए, ये था, अगर इसको लिया जाए, ये बहुत बड़ा तालाब है, अपने तालाब के बस का ये नहीं है, पर्यटन विभाग के ही बस का ये पर्यटक प्रयासरत है। हाँ प्रयासरत है, ये जब भी है तो पर्यटन विभाग से ही ये संभव है कि इसका जीर्णोद्धार हो पाएगा। कभी पर्यटन भाई अपने नहीं किया विधायक आज किस तरह का कार्यक्रम आपके ग्राम सभा में हो रहा है? 21 तारीख से विश्व महायज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ का आज पूर्णावती पड़ी है। ये हर साल कराते हैं क्या? नहीं नहीं, हर साल नहीं होता है, ये यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। वैसे हमारे गांव में कुछ अंतराल के बाद हर यज्ञ हुआ करता है, यज्ञ हुआ करता है कुछ समय अंतराल के बाद। पता चला है कि ये यज्ञ जो 10 साल के बाद आज, हाँ लगभग वही बात, 10 साल के बाद शुरू हुआ। हाँ, इस यज्ञ से देश के और गांव के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस यज्ञ के द्वारा विश्व के कल्याणार्थ, गांव के कल्याणार्थ, क्षेत्र के कल्याण के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि जो यहां हवन होता है तो ओजोन गैस के बारे में लोग अगर इसको भी लें आप कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हो रहा कि ओजोन गैस की परत पतली हो रही है, यही एक हवन ही ऐसी है कि इसके द्वारा ओजोन गैस को बल मिलता है। धार्मिक प्रवृत्ति के बाद अगर ये है कहीं से कि धर्म के साथ अगर इसका आस्था है तो विज्ञान के साथ भी इसका बहुत बड़ा संबंध है, कि तिल गुड़ घी का जो हवन होता है इसका जो धुआं निकलता है ओजोन गैस की परत को मोटा करता है। पहली चीज अगर यदि अध्यात्म से लेते हैं तो ये अध्यात्म की बात है, विज्ञान से लेते हैं तो विज्ञान में भी जो धुआं इससे निकलता है उससे ओजोन गैस को बदलता है। और दूसरी चीज कि जहाँ ये यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। और लोगों में आज 8 दिन से मेरे गांव में यज्ञ चल रहा है, कहीं किसी कोने में पूछे तो कोई व्यक्ति, आज 9वां दिन है पुड़ावती है, और किसी कोने में कोई विषाक्त वातावरण नहीं है, आप आए होंगे तो देखे होंगे, अच्छा लग रहा है। और ये इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ के पंडित पधारे हुए हैं? बनारस से आए हैं मुख्य जो महाराज जी हैं, महाराज जी अयोध्या से आए हैं श्री रामदास जी महाराज, और मुख्य यज्ञाचार्य जो हैं वो बनारस से आए हैं, रोहित सांकित्यार। ये यज्ञ मतलब हर साल नहीं कराया जाता? हर साल नहीं होता है, ऐसे छोटे मोटे जो अनुष्ठान है। साल, 7 साल बता दे आपसे बहुत नजदीक है कि हमारे गांव में ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि जहां छोटे मोटे कार्यक्रम न होते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे भी कार्यक्रम 5 साल 10 साल अक्सर हुआ करता है, लेकिन छोटे मोटे यज्ञ साल में निश्चित है कि एक हो ही जाता है। यहाँ बेसुरु जी का जो स्थान बना हुआ है या कहीं से लिया करके बना है या यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई? नहीं, यहाँ मंदिर है, यहाँ या इनकी मतलब कहीं से आस्था है, उत्पत्ति नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा उत्पत्ति है, ये नहीं है, इससे खरीद में जो है ना वैसी बात नहीं। यहाँ ये है कि भगवान राम का राम दरबार की मूर्तियाँ स्थापित हुई, आज से कुछ समय पहले ये मंदिर बना, और मंदिर के बाद ऐसे भी हमारा गांव हमेशा कुछ करता है। इलाज भाई आप भी यहाँ जानते हैं, हमारा गांव अक्सर ऐसे कार्यों को करते रहता है, हिस्सा भी लेते हैं हम लोग कहीं। थैंक यू प्रधान जी, आपने जो इतनी बारीकी से जानकारी आपने दिया है, ऐसे तो बहुत मजे भी नहीं देखे जो आपको ज्ञान है। नहीं ठीक है सर, इसके लिए मैंने भी शुद्ध रूप से है, क्षेत्र गांव और विश्व के लिए भी है, देश के लिए भी है, ये संकल्प कहीं से नहीं है कि कहीं से मेरा कल्याण हो, मेरा क्षेत्र देश सबके लिए।